सो हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर पार्ट्स होप एंड आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उस बाइक के ऊपर ही वीडियो है। ये न्यू रॉयल एनफील्ड हंटर 350 डैपर व्हाइट कलर का बाइक है। मेरा बाइक नहीं है भाई, इसमें क्या कुछ एक्सेसरीज लगा हुआ है आज के वीडियो में वही आपको दिखाऊंगा एंड आपके साथ शेयर करूंगा इसका कितना प्राइस है। पहले आप देख सकते हो मीटर कंसोल के बिल्कुल राइट साइड में दे रखा है टीपर, मतलब जो कि नेविगेशन का जो मीटर होता है वो आप देख सकते हो कि ऑन करने के टाइम में क्या कुछ दिखाता है नेविगेशन मीटर पे। सो आप सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हो एंड ऑन करने के बाद आप देख सकते हो अभी कितना टाइम हो रखा है वही दिखा रहा है, 4:17 हुआ है। सो उसके वजह से वहाँ पर दिखा रहा है नेविगेशन मीटर पर। सो बस आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें आप क्या है नेविगेशन वगैरह देख सकते हो, मतलब आप टूरिंग वगैरह करोगे तो आपको नेविगेशन का ज़रूरत होगी तो उस टाइम आपको ये चीज़ बहुत ही काम में लगेगा, मतलब ये चीज़ बहुत ही आपको ज़रूरत लगेगा। सो उसके वजह से ही बहुत सारे लोग इंस्टॉल करता है एंड एक्सेसरीज के थ्रू ये चीज़ आपको मिलता है। इसका जो प्राइस आपको लगभग पड़ेगा वो है 5000 रुपीस अराउंड आपको पड़ेगा, इससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। सो आपको बता दे रहा हूँ अराउंड आपको पड़ेगा 5000 रुपीस एंड नीचे पर आप गाइस चेकआउट कर सकते हो। नीचे पर इंजन गार्ड जो है ये थोड़ा सा अलग सा है, मेरा बाइक में जो था वो लेग गार्ड टाइप था एंड ये सिर्फ इंजन को गार्ड करेगा, इसका जो मतलब ये सिर्फ इंजन को प्रोटेक्ट करेगा। इसका जो प्राइस आपको पड़ेगा ये भी एक्सेसरीज के थ्रू भी आपको मतलब मिलेगा, ये कंपनी से अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको पड़ेगा 3000 रुपीस इसका प्राइस एंड जो मैं खरीदा था लेग गार्ड जैसा उसका प्राइस लगभग आप बोल सकते हो 3300 रुपीस था, बट इसका प्राइस थोड़ा कम है, 3000 रुपीस में ही आपको मिल जाएगा, 300 रुपीस का डिफरेंस है दोनों में। बट इससे ज़्यादा मेरे को तो लगता है जो बड़ा वाला है वही अच्छा होगा आई थिंक। सो बस वो भी आपको बता दे, आपके मर्जी है आप कौन सा खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। आपको दिखा दिया हो वो एक्सेसरीज का प्राइस भी बता दिया हो 3000 रुपीस है एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मिरर देख रहे हो गाइस काफ़ी स्टाइलिश है। आप अच्छे से अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब दूर से उतना पता नहीं चलेगा बट अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका जो कटिंग वगैरह है काफ़ी स्टाइलिश है एंड काफ़ी अच्छा मतलब एक मिरर है एंड पीछे पर आप देख सकते हो गाइस रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है पीछे पर मिरर के पीछे पर एंड इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है मेरे को लगा, वो लगभग आपको पड़ेगा 6850 रुपीज़ इसका प्राइस आपको पड़ेगा अगर आप कंपनी से ये मिरर खरीदना चाहते हो तो। एंड मिरर का स्टाइल तो आप गाइस चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी दिखने में अच्छा है। ये जो मिरर आप देख रहे हो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है दोनों साइड पर, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इधर साइड पर भी आपको दिखा रहा हूँ, इधर साइड से भी बार एंड मिरर का भी प्राइस भी लगभग इससे आसपास है आपको बता दे रहा हूँ। सो बस इसका भी प्राइस आपको गाइस बता दिया हूँ, थोड़ा सा मेरे को हाई लगा बट कंपनी का है उसके लिए ही ज़्यादा आपको लगेगा, नहीं तो ये अगर आफ्टर मार्केट में मिलेगा तो काफ़ी काम में मिल जाएगा आपको आई थिंक। सो बस वो भी आपको बता दिया हूँ, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये मिरर भी जो कंपनी वालों ने दे रहा है ऐसा स्टाइलिश वाला मिरर। पार एंड वाला जो मिरर है वो भी काफ़ी अच्छा है बट वो अलग सा है थोड़ा एंड इसका लुक थोड़ा अलग सा है एंड अभी आपको और एक बार गाइस की ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो जो नेविगेशन का जो मीटर है वो कैसा लग रहा है आप चेकआउट कर सकते हो। बैकग्राउंड में ब्लू कलर का लाइट चल रहा है एंड जो टाइम है वो दिखा रहा है व्हाइट कलर में, जो कि मतलब मीटर कंसोल के साथ काफ़ी मैच कर रहा है एंड नेविगेशन देखने के टाइम में तो आपको और भी अच्छा अच्छे से पता चल जाएगा क्या कुछ चीज़ है, मतलब कैसा दिखने लायक होगा। सो बस वो आपको बता दिया हूँ एंड मिरर और एक बार आपको कैसे दिखा दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हो कैसा लगा कमेंट करके बताना, मतलब तीनों एक्सेसरीज इसमें लगा हुआ था एंड थोड़ा सा अलग सा है, मतलब ये तीनों ही मेरे बाइक पे नहीं इंस्टॉल हो रखा है। सो उसके वजह से ही सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ आपके लिए। सो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइस एंड चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो चलते बाय, मिलते ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर आपके साथ। सो बाय एंड इस बाइक के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मतलब मेरा जो बाइक है उसमें मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। सो चलते बाय, हैव ए गुड डे गाइस, बाय।